दिन इंतजार करने के बाद आज जो बिजनौर की जनता इंतजार कर रही थी वो दिन आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बिजनौर की नगीना लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे और उन्होंने लाखों के वोट लेकर जीत हासिल करी और अपने आप में एक इतिहास कायम करा, क्योंकि नई पार्टी थी, ना किसी गठबंधन से थी, ना किसी गठजोड़ से थी, और जीत कर लाखों के वोट लेकर जीत हासिल की अपने आप में चर्चा का विषय है। अगर बात की जाए बिजनौर की, तो बिजनौर में आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान जीत की ओर हैं, लेकिन जीत इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों। हजारों की वोटों से जीत है तो इसे जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो दीपक सैनी रहे हैं और तीसरे नंबर पर बिजनौर से विजेंद्र रहे हैं, जो बसपा से प्रत्याशी थे। अगर बात की जाए नगीने की, तो नगीने में फर्स्ट नंबर पर तो चंद्रशेखर आजाद ही, दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम कुमार विधायक थे, जो नेटवर्क विधायक थे वो प्रत्याशी बनाए गए और वो दूसरे नंबर पर रहे। बात की जाए तीसरे नंबर की, तो सपा प्रत्याशी मनोज कुमार जो पहले जज थे, उन्होंने अपना इस्तीफा लिया और इस्तीफा लेने के बाद सपा से प्रत्याशी हुए। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो बहन मायावती का प्रत्याशी, बहुत फसड्डी कहा जा सकता है, अपनी जमानत जब्त करने वाला सुरेंद्र नाम था उनका और बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर उन्हें उतारा था। तो कहीं ना कहीं जो बिजनौर की जनता इंतजार कर रही थी वो इंतजार खत्म हो गया है दोस्तों। आपको दो सांसद मिले हैं, एक आरएलडी थे चंदन चौहान, और अगर नगीने की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर खबर तुरंत दिखाता है बिजनौर खबर टीवी। एक अपील करता है, लाइक सब्सक्राइब तुरंत।